इधर सुन लो, शांति नहीं। द्वारपाल और बेटा वाला, जाने से पहले मेरा एक उपदेश ध्यान से सुन लो। कहे पिताजी। किसी भी पराई बहन बेटियों के तरफ तुम नजर नमक उठाना और किसी भी असहाय व्यक्ति की मदद करना, किसी से झगड़ा तकरार मत करना। ठीक है पिताजी। ध्यान से सुन ला, रास्ते में अगर बहन जोग होगी तो उसे बहन मानना, बुआ जोगी तो उसे बुआ मानना, माँ जोगी तो उसे माँ मानना, मेहरारू जोगी तो उसे मेहरारू। इसको यही शिक्षा दे रहा है, शादी जब होने के बाद इस समाज में एक ही धर्म पत्नी हुआ करती है, इसके सिवा सभी माँ बहन बेटी के समान हुआ करती है। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, सारी व्यवस्था इनको देकर के लेकर के जमुना किनारे जाओ। पैसा दे दा। अरे बेवकूफ, वहाँ पैसा क्या करोगे? असिसिया खाती। फिर नहीं मानेगा? मौत तो नहीं मानी, लेकिन तो थोड़ी सी खाएगी। अच्छा, तुम राजमंत्री से ले लेना। का राजमंत्री से ले लेना? नया गवा का तेहला लोग ना पछवा का तेहला। चुप रहो, किसी भी बातें किया करता है। खुदा खुदा डेढ़ महीना का हमारा रुकल। क्या महीना महीना ऐसा देता तो हम कपड़ा ले लेते। अरे बेवकूफ, अरे पैंट शर्ट का कपड़ा ले लेती यार। बेवकूफ, साफ बातों में बतलाया कर तुझे। ठीक है, चलो आ, आने के बाद शाम को ले लेना। पिताजी, इसका महीना ही बंद कर। सरकार चाहे तो हर लड़का हम आऊ खुशी में छोड़ दे थी आगे वाला। सरकार कम से कम पिछावा वाला तो दे दिया। चलो अरे का रखले बरदौलिया में। अरे मैं क्या गाऊं, तुम गाओ। गावा चल जा, चलो ठीक। अरे तलरा में मारली मछरिया हमारे वारियाँ तक कछुआ धरल।
जारा खियाओ थवा देखो फसावत ना छोड़ बच्चे ऐसे रखा ऐसे डाल के ना ऐसे डाल के ऐसे हिलावा अरे मालापा मालापा मोर चोका चारा का तू चारा हम सब गुहा थवा आई सलेंसर में उंगली कर थो कहीं धुआं देवे लगे तो ए बब्बा दही खाए के हा तू दही बेच थू हा तो तने कहा था या उतर बाबा चला जा ए नमस्ते ये बतावा कैसे दहिया बेच छुपया पौगा बा छ रुपया पौगा तो मोरे गौवा तो कुल 1.5 रुपया किलो बेच हो सकत हम दहिया कहू कुछ दूसरे की छो दहिया तो ऊपर ले बबा साड़ी वाली दही 10 रुपया पौगा बा खाली पानी छोड़े दही खाए के